हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम अंकित सिंह। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। और गाइस, जब तक तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और बहुत सारे स्टूडेंट यार एमएसटी सीजी 2022 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहे थे। तो यार देखो, अभी तो आपको पता है यार, अभी तक तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफिशियली आपके वेबसाइट पर नहीं आई। आपको पता है आपकी अब एग्जाम डेट, एप्लीकेशन फॉर्म, कोई भी अपडेट अभी तक आपको नहीं मिली है। पर ये जो है यार, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल की लगभग सेम होती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जब ऑफिशियल आएगी तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो देखो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल हैव टू फुलफिल फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलॉन्ग विथ कैंडिचर टाइप क्राइटेरिया टू बी एलिजिबल फॉर एमएससी सीटी 2022। तो देखो, एक कैंडिचर टाइप भी होता है कि आप मतलब महाराष्ट्र में किस तरीके से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो कैंडिचर टाइप में आता है। तो सबसे पहले आपकी नेशनलिटी, कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल, तो आपको इंडियन होना जरूरी है। एज लिमिट, देर इज नो एज लिमिट फॉर कैंडिडेट, कोई एज लिमिट नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जाम, कैंडिडेट जो है 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, कैंडिडेट अपेयरिंग द क्वालिफाइड एग्जामिनेशन आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो देखो, तो आपका 10+2 जो है रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगला है क्वालिफाइंग एग्जाम मैथ, आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स चाहिए, यानी कि 45 से कम नहीं हो सकते। और जो अगर रिजर्व कैटेगरी यानी किसी कास्ट में लाए करते हो तो आपको 40%, पहले ये 50 हुआ करता था जनरल के लिए और रिजर्वेशन के लिए 40 होता था, 45 होता था, पर अब जो है ड्यू टू कोविड इसको और कम कर दिया गया, ठीक है। अगला आ जाते हैं एमएचटी सीटी 2022 डायरेक्ट एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो डायरेक्ट एडमिशन किन स्टूडेंट को मिलता है, सबसे पहले तो फॉरेन नेशनल स्टूडेंट जो होते हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। अगला आता है चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, ओसीआई, पीआई, इनको मिलता है। अगला है चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन गल्फ कंट्रीज, इन सबको जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है एमएसटी सीईटी के कॉलेजेस में, ठीक है। अगला आता है कैंडिचर टाइप, तो इसमें ही सबको सबसे ज्यादा डाउट होता है, तो मैं भी आपको इसके बारे में अच्छे से बता देता हूँ। तो देखो, कैंडिचर टाइप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होम यूनिवर्सिटी, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है टाइप ए। तो टाइप ए में क्या लिखा है देखो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप ए में ये होता है, या तो आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या फिर आप महाराष्ट्र में बॉर्न हुए, यानी कि बॉर्न सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो जो कैंडिडेट है, या तो आप जो कैंडिडेट हो आपने एसएससी और एचएससी जो है महाराष्ट्र से की हो, ठीक है, तो आप टाइप ए में लाए करते हो, ओके। या तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपकी एसएससी और एचएससी जो है वो महाराष्ट्र से हुई होनी चाहिए, तो आप टाइप ए में लाए करोगे। अगला आ जाता है कैंडिडेट कैंडिडेट नॉट फॉलोइंग इन, जो कैंडिडेट टाइप ए में नहीं फॉलो करते पर उनके जो मदर या फादर है उनके पास जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो वो जो है टाइप बी में लाए करते हैं। यानी कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है पर आपके पेरेंट्स के पास है, तो आप टाइप बी में लाए करोगे, ठीक है। अगला आता है टाइप सी, कैंडिडेट जो टाइप ए टाइप बी में नहीं फॉलो करते पर उनके या तो मदर या तो फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, तो वो जो है टाइप सी में लाए करेंगे। पर क्या लिखा है, उन ऐसा ना हो कि पहले थे, आइदर ऑफ द पेरेंट शुड बी पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू द ड्यूटी इन महाराष्ट्र बिफोर द डेडलाइन ऑफ एमएसटी सीटी कैप एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो उनको जो है पोस्ट होना चाहिए एमएसटी सीटी के कैप एप्लीकेशन के पहले, यानी कि एमएसटी सीटी की कैप राउंड जो होती है जिसमें एडमिशन मिलते हैं उसके पहले ही आपको जो है उसके पेरेंट जो है आपके पोस्ट होने चाहिए, ठीक है। टाइप डी में कौन आते हैं, कैंडिडेट जो टाइप ए बी सी में नहीं फॉलो करते हैं और उनके पेरेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के रिटायर्ड एम्प्लॉय रह चुके हैं। सी में क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर टाइप डी में आता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, तो वो टाइप डी में लाए करते हैं। अगला आ जाता है टाइप ई, जो कि लास्ट होता है, जिसमें आता है कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड एचएससी एग्जाम। तो देखो, टाइप ई में वो लाए करते हैं जो कि जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट होते हैं जो इन्होंने एसएससी और एचएससी जो है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया की जगह से किया है और जिनका मदर टंग जो है वो मराठी है, वो टाइप ई में लाए करते हैं। तो इस तरीके का जो है कुछ आपकी कैंडिडेट टाइप होता है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि टाइप ए टाइप बी किस में हम लाए करते हैं। तो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट टाइप ए में ही लाए कर जाते हैं और जो बाहर से एग्जाम देने आते हैं यानी कि किसी और स्टेट से, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है टाइप में। पर और कुछ आपको डाउट होगा तो भी पूछ लेना। और देखो, बाकी आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना यार। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे आके पूछ लेना। और इस वीडियो में मैं यार एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ यार, प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखो, ठीक है, वो आपको काम देगा आपके आगे चल के आपको इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।